भला बरसात से बेहतर मौसम हो सकता है कोई? किसी भी प्लांट की कटिंग को ग्रो करने के लिए तो मैं भी ले आई हूँ ये गुच्छे वाले गुड़हल को अपने कलेक्शन में ऐड करने के लिए। तो मैंने इस कंटेनर के ड्रेनेज झोल को पहले बंद कर दिया है और ये अब सॉइल मिक्सचर उसमें डाल रही हूँ। यहाँ पे फंगीसाइड पाउडर को मैंने डाल दिया है और इस सॉइल मिक्स में मेरा 40% सॉइल है, बाकी 60% में वर्मी कंपोस्ट, रिवर्स सैंड और भी कोकोपीट वगैरह है। तो ये कटिंग देख सकते हैं, इसके लिए मैंने ये होल बना लिए हैं और इसमें फंगीसाइड पाउडर डाल रही हूँ ताकि कोई भी फंगस वगैरह ना लगे। ये रूटिंग हार्मोन है जो मैं यूज़ करती हूँ अपने कटिंग को ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अलग अलग कटिंग लिया है, इसको मैं रूटिंग हार्मोन में डिप करती हूँ और फिर इस होल में डाल देती हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं मैं अलग अलग साइज़ के, जैसे कोई 45 डिग्री पे कट है, कोई प्रॉपर स्लैंट है, जैसे कि ये वाला, अलग अलग तरीके से ग्रो करने की कोशिश कर रही हूँ। तो इन सभी में मैं पहले रूटिंग हार्मोन लगा दे रही हूँ और फिर इन सभी होल में डाल देती हूँ। फिर उसके बाद मैं इन सभी को प्रॉपरली फिक्स करूँगी ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमारी कटिंग सही से लगे और ख़राब ना हो। अगर प्लांट बार बार हिलता है तो वो सही से ग्रो नहीं करेगा। सो मैं इसे अच्छे तरीके से ऐसे कर देती हूँ और उसके बाद सॉइल में देख लिया है कि कहीं से प्लांट हिले ना। अब मैं इनके जो टॉप एजेस है जहाँ से मैंने कटिंग को कट किया है पीसेस में, वहाँ पे फंगीसाइड पाउडर लगा रही हूँ ताकि वहाँ ऊपर से भी डाई बैग की दिक्कत ना हो या फिर वहाँ पे कोई फंगस लग के प्लांट को ख़राब ना